अस्सलाम वालेकुम मेरे होम मील फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मुहर्रम की 4 तारीख है, नजरों नियाज का सिलसिला जारी और सारी है। आज का दिन हमारे यहाँ एक बहुत खसूसी नियाज होती है, जिसमें कबूली खिचड़ी बनती है जो कि मीठी होती है, और इसमें सेला चावल इस्तेमाल किए जाते हैं, चने की दाल होती है और चीनी का इस्तेमाल होता है। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ख़ानदानी रेसिपी है, आज हम आपसे ये अपनी रेसिपी शेयर करेंगे। चलिए आइए, इंग्रेडिएंट आपको नज़र आ रहे हैं। 1/2 किलो हमने सेला चावल लिए हैं, 1 पाव हम चने की दाल लेंगे और तकरीबन 1.5 पाव हम चीनी लेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले हम सेला चावलों को तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो देते हैं ताकि ये अच्छे से बॉईल हो सकें। ये देखें फ्रेंड्स, हमने चावलों को धो के भिगो दिया है। दाल हम अभी नहीं भिगोएंगे क्योंकि सेला चावलों के भीगने का टाइम 2 घंटे होता है। दाल हम तकरीबन 1.5 घंटे के बाद भिगोएंगे। 1/2 घंटे के लिए सिर्फ दाल भीगेगी और फिर दोनों चीज़ों को एक साथ बॉईल करने रख देंगे हम। ये हमारे चावल जो हैं तकरीबन 2 घंटे भीग चुके हैं, हमारी दाल भी भीग चुकी है, अब हम इसको बॉईल करने रख देंगे। ये देखें फ्रेंड, हमने चावलों का पानी निकाल लिया है और चावल जो हैं वो एक कनी हमने छोड़े हैं क्योंकि इसमें अभी चीनी डलेगी, भगार लगेगा, तो इस वजह से हमने चावल को एक कनी छोड़ा है क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। चलिए हम इसका बकिया प्रोसेस करते हैं। ये देखें फ्रेंड, हमारी दाल भी जो है वो अच्छे से गल चुकी है। बस अब हम जो हमारे बॉयल चावल थे इसमें हम दाल भी डाल देंगे। ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की है। अब हम इसमें चीनी डालते हैं। ये तकरीबन हमारी 3 पाव की खिचड़ी तैयार हो रही है। 1/2 किलो चावल हैं, 1 से 1.5 पाव चने की दाल है, तो इसमें हम बराबरी की ही मिकदार में चीनी डालेंगे। तकरीबन 2.5 कप बड़े वाले जो हैं वो हम चीनी इसमें डालते हैं और इसको हम दम पे रख देते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, हमने तकरीबन 3 बड़े वाले मग जो हैं वो हमने चीनी के इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको ढक के रख देंगे। खिचड़ी हमारी बस दम पे आ गई है, अब हम इसका भगार तैयार कर रहे हैं। इसमें हम खोपरा डालेंगे, बादाम डालेंगे और छोटी इलायचियाँ डालेंगे, 3-4 लौंगे भी डालेंगे, इसका भगार लगाएंगे बहुत अच्छे से। और हमारी कबूली खिचड़ी जो कि आज 4 मुहर्रम की ख़ास नियाज होती है, वो हमारी तैयार हो जाती है। ये देखें फ्रेंड, हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, इससे हम भगार लगाएंगे। सारा ड्राई फ्रूट हमने डाल दिया है, इलायची भी डाल दी है, इससे हम खिचड़ी में भगार लगाएंगे। ये देखें फ्रेंड, हमने
भगार ड्राई फ्रूट का लगा दिया है। अब इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि चीनी जो है वो खिचड़ी में डिजॉल्व हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी खिचड़ी तैयार हो जाए। इसको हम हल्के हाथ से थोड़ा सा आप चला देंगे। चलें जी मेरे होम मील फ्रेंड, मुहर्रम की 4 तारीख को हमारियाँ की खसूसी नियाज कबूली खिचड़ी तैयार हो गई है और आप इसको देखें, इतनी ज़बरदस्त गरम गरम ये उतरी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही मज़े की होती है, बहुत डिलीशियस होती है। मेरे इंडियन फ्रेंड्स को बहुत पसंद आएगी, वो अपने त्योहारों पर ट्राई करें और हमें लाइक एंड कमेंट्स करें। आपसे चाहेंगे इजाज़त नेक्स्ट रेसिपी तक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।